हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं गीगाबाइट के अल्ट्रा एक्स 570 गेमिंग मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। ये देखो, ये वाला मदरबोर्ड है। बहुत मुश्किलों से ये मैंने परचेज किया है क्योंकि मेरा फ्रेंड है गीगाबाइट के अंदर ही, तो उसकी मदद से मैंने इसको परचेज किया है। मैं इंडिया में रहने वाला बंदा हूँ और इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को इश्यू जो मिला है, मेरे को ये मिला है कम से कम 20 से 25 रोज बाद में, और अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएगा ये 1 से 2 महीने में, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज। ये मैं अपने लिए खुद के लिए ये बिल्ड कर रहा हूँ ये पीसी, और इसके कम्प्लीटली फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आज बनने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये है इसका मदरबोर्ड का फर्स्ट लुक। ये देखो, यहाँ ओरस का लोगो आपको देखने को मिल ही रहा है। ये देखो, X570 ओरस अल्ट्रा गेमिंग मदरबोर्ड, और जो सॉकेट आता है वो AM4 के साथ ये है अवेलेबल है। और ये देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट ऑप्शन है वो यहाँ दिए हुए हैं। सबसे मेन हाईलाइट की बात करता हूँ तो ये देखो फ्रेंड्स, अक्टूबर 2019 में कंपनी ने ये मैन्युफैक्चर किया है, इसी वजह से मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई है इसको परचेज करने में। ये देखो, और ये देखो AMD के अंदर राइजन 3000 डेस्कटॉप रेडी, यानी कि आप इसमें सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आप इसमें लगा सकते हो। और जो इसमें सबसे जो खूबी दी हुई है वो, अगर आप BIOS को अपडेट करते हो तो आप इसमें जो लेटेस्ट अभी AMD का आ रहा है राइजन के अंदर 3950, वो भी इसमें प्रॉपरली सपोर्टेड हो जाएगा। ये देखो, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 4.0 रेडी, इसका मतलब ये है अगर आपके पास लेटेस्ट ग्राफिक्स अगर 4.0 का है तो वो भी सपोर्ट करेगा, और M.2 अगर आपके पास हार्ड डिस्क जो अवेलेबल होगी मार्केट में आने वाले टाइम में, वो भी इस मदरबोर्ड पे सपोर्टेड है। ये देखो, CPU की VRAM है इसमें 12+2 पावर डिजिटल पावर, जो बहुत ताकतवर होती है, जो PC को पावर देने में ये बहुत सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मैं अगर आपको टेक्निकली इसमें प्रॉपरली समझाऊं तो आपको, जैसे एक फेज के अंदर, जैसे ये 12 हैं तो इसके अंदर एक फेज के अंदर 3 एम्पियर हो गए, तो इसका कुल मिला के टोटली मैं मान के चलूँ 40 एम्पियर तक ये मदरबोर्ड को बहुत तरीके से पावरफुल बनाए रखेगा। और जो इसमें ये वाईफाई सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ ये देखो 6 रेडी अवेलेबल है। और ये देखो, ये इसका मॉडल लेटेस्ट है ही। और मैं इस बॉक्स की करता हूँ अनबॉक्सिंग, और इसके पूरे कम्प्लीटली फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें फिलहाल कंपनी ने 7 मदरबोर्ड, ये X570 के 7 मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। इनके एक एक मॉडल के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इस बॉक्स की करता हूं मैं अनबॉक्सिंग, और दिखाता हूं अपने को बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग से पहले मार्केट में जो इसके सात मदरबोर्ड अवेलेबल हैं जिसका मॉडल है X570, एक एक करके मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूं। इसका स्टार्टिंग मॉडल है फर्स्ट X570UD, इसकी प्राइस मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी 14,000 रुपये की। फिर सेकंड मॉडल की तरफ चलता हूं मैं, X570 Gaming X, इसकी मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेगी 15,400। फिर इससे ऊपर चलता हूँ थर्ड में, X570 Aorus Elite, ये इसका थर्ड मॉडल है और उसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 18,500। चौथे मॉडल की तरफ बढ़ता हूँ, X570 Aorus Elite Wi-Fi, ये 19,200 रुपये का मदरबोर्ड आता है। ये वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो ये मदरबोर्ड ठीक रहता है, इतना ज़्यादा हेवी भी नहीं है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बढ़ता हूँ मैं इसके अगले मॉडल की तरफ, X570 Aorus Pro, ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा 23,000 रुपये का। और मैं बढ़ता हूँ इसके अगले मॉडल की तरफ, X570 Aorus Pro Wi-Fi, इसकी मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेगी 24,200 रुपये। और जो मैं मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मॉडल है X570 Aorus Ultra, जो इसका सबसे लेटेस्ट मदरबोर्ड है, और इसकी आपको प्राइस देखने को मिलेगी 27,000 रुपये। और इस बॉक्स की करता हूँ मैं अनबॉक्सिंग, और कम्प्लीटली मैं गैजेट्स के बारे में आपको बताऊंगा, कैसा क्या इसमें रिव्यू रहेगा, कैसे क्या इसके फीचर्स रहेंगे, कम्प्लीटली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लुक है मदरबोर्ड का, और फिलहाल तो देखो मैं मदरबोर्ड को रखता हूँ थोड़ा सा साइड में, और देखते हैं इसमें अपने को क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलेगा। और ये
ये देखो गीगाबाइट की तरफ से ओरस के ये दिए हुए हैं आपको लोगो। आप अपने पीसी को अच्छे से ये लुकिंग वाइज आप अपने हिसाब से इन स्टिकरों को प्रॉपरली लगा सकते हो और लुकिंग वाइज आप अपने पीसी को बहुत हाईलाइट कर सकते हो। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें देखने को मिला है। ये देखो ये सारे स्टिकर ही अवेलेबल हैं कम्प्लीटली। ये देखो मैं अपने पीसी को इनको लगा के आपको वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल मैं रखता हूँ इनको साइड में। और देखते हैं ये ओरस का लोगो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारे लुकिंग में ये देखने को मिल रहा है ओरस का लोगो। ये देखो ये इसमें ये सीट दी हुई है और ये कंपनी की मेरे को सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही है क्योंकि 2019 चल रहा है और जो मैं कैबिनेट इसमें लगाऊंगा उसमें ड्यूरेटर कैसे लगेगा, तो ये कंपनी की मेरे को बेवकूफ़ी लग रही है। और इसकी देखो मैं मैन्युफैक्चर देखता हूँ एक बार। ये देखो ये मैन्युफैक्चर आ रहा है यहाँ अक्टूबर 2019, तो ये सीडी कम से कम 2-3 महीने पुरानी होगी। और इसका मेरे को मार्केट में, मैं जैसे इसका इसकी साइट पे जाऊंगा गीगाबाइट की, तो उसमें लेटेस्ट ड्राइवर मेरे को वैसे ही देखने को मिलेंगे। ये मेरे को कंपनी की बेवकूफ़ी लगी, इसके जगह मेरे को ये कंपनी अगर ये लोगो और दे देती तो मैं ज़्यादा खुश होता। ये देखो ये वाला लोगो अगर 2-3 अगर मेरे को कंपनी देती तो मैं और भी ज़्यादा खुश रहता। फिर भी चलो देखते हैं और क्या है। ये इसकी नोटबुक दी हुई है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये देखो और ये इसकी बॉक्स पैकिंग जो दी हुई है वो मेरे को सबसे बेस्ट लग रही है। इसमें कंपनी ने पैसा जो बर्बाद किया है वो बिल्कुल सही किया है, इसको भी देखते हैं। और मैं ये इनके कंप्लीटली बताता हूँ एक एक करके इसमें क्या क्या ये अपने को मिलेंगे। ये देखो ये इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं और ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये M.2 को इंस्टॉल करने के लिए यूज में दिए हुए हैं। ये देखो ये वाली M.2 है और इसको मैं पीसी बिल्ड करूंगा तब ये मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये टेम्परेचर सेंसर केबल दी हुई है। ये देखो ये एक तो लगेगी पीसी के अंदर, जो भी ये पीसी का अंदर का ये टेम्परेचर बताएगी, और ये दूसरी वाली केबल है जो मैं पीसी के बाहर लगाऊंगा तो ये पीसी के बाहर का जो रूम रहेगा उसका टेम्परेचर का ये बताएगी। और ये मेरे को बहुत अच्छी केबलें देखने को मिली है और सब लोग जानते हो ये साटा केबलें हैं। ये देखो ये साटा केबल है जो कंपनी अच्छी से निकालती है। आप इसमें SSD को इंस्टॉल कर सकते हो और हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉपरली और क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट है। ये देखो ये इसमें ये बुल्ट दिया हुआ है और ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये देखो ये M.2 को फिक्स करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन कंपनी ने ये मेरे को जहाँ तक कमी दिखने को मिल रही है, ये स्लॉट तो 3 दिए हुए हैं लेकिन ये बुल्ट एक ही दिया मेरे में। ये देखो ये SSD, ये देखो जैसे मेरे पास सैमसंग की M.2 है और ये मैं प्लानिंग ऐसे कर रहा था फ्रेंड्स, मैं 2 PC के अंदर इंसर्ट करने वाला था मैं, लेकिन ये स्क्रू एक दिया हुआ है। अब ये देखो ये इसकी स्पीड मेरे को देखने को मिलेगी 3500 3500 3500 7000 रेडी में इसमें करने वाला था, लेकिन अब ये बुलेट एक दिया है कंपनी ने, मैं परचेज कहाँ से करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल बढ़ता हूँ मैं आगे। ये देखो ये इसमें RGB केबल ये दी हुई है। ये देखो ये वाईफाई का ये लगाना है आपको अपने पीछे में। ये देखो और उसका यहाँ लोगो दिया हुआ है और उसका ये है। ये देखो आप अपने पीसी में वायरलेस स्ट्रिप को ये आप कंट्रोल करने के लिए यूज में हो जाएगा। आप केबलें इधर की उधर हो तो आप इसमें वायरलेस स्ट्रिप को यूज कर सकते हो। और सॉरी कंपनी की तरफ से ये देखो जो मैं बोल ही रहा था अभी वीडियो के अंदर, ये देखो ये यहाँ M.2 के लिए यहाँ कंपनी ने मैंने 2 की रिक्वायरमेंट की थी लेकिन कंपनी यहाँ 3 दे रही है, तो कंपनी का ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा क्योंकि कंपनी कोई मेरे को पैसे नहीं दे रही है फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए मैं देखो जो जहाँ कमी रहेगी वहाँ कमी ही बताऊंगा मैं, लेकिन ये कंपनी का ये मेरे को देखने को बहुत अच्छा मिला है। ये देखो ये यहाँ थोड़ा सा साइड में बॉक्स के नीचे चली गई थी ये, और ये M.2 आप इसमें प्रॉपरली लगा सकते हो, बहुत खुशी हुई है। तो M.2 मैं लगाना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे को बोल्ट मिल गए हैं और ये वाला बोल्ट भी उसी के लिए है M.2 को। और ये देखो सबसे मेन चीज़ जो सबसे बेस्ट ये इसमें दी हुई है कंपनी का, ये देखो गीगाबाइट का। ये देखो आप जब भी पीसी के अंदर पीसी को तैयार करते हो पावर रीस्टार्ट केबल ये वगैरह ये आप प्रॉपरली, हर व्यक्ति जान नहीं पाता है कि भाई ये कैसे प्रॉपरली लगाए, लेकिन ये इसमें डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया गया है आप कंप्लीटली इसमें एक बार में ही इसको प्रॉपरली इंसर्ट कर सकते हो अपने मदरबोर्ड में, और ये मेरे को बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं मदरबोर्ड की तरफ, मदरबोर्ड में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेरे को इस बोर्ड में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, बहुत जबरदस्त मेरे को ऐसे धक्का सा लगा है, इसमें मेरे को RGB केबलें नहीं मिली है पीसी को बिल्ट करने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स ये सारी केबलों की मैंने आपको बताया एक एक करके, लेकिन जो मेरे को सबसे बड़ी कमी लगी है वो मेरे पैसे ऐसे लग रहे हैं यार, पैसे ही बर्बाद हो गए मेरे को। वो कमी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने एक 15,000 रुपये का आसूस का मदरबोर्ड लिया था, उसमें RGB स्ट्रिप मेरे को कम से कम 6 से 7 केबलें देखने को मिली थी, और ये 27,000 रुपये का मदरबोर्ड है और इसमें मेरे को एक भी केबल देखने को नहीं मिल रही है। बहुत अपसेट हूँ मैं यहाँ, अब मैं क्या करूँ, कंपनी का ये मेरे को एक्शन यहाँ सही नहीं लगा है, कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ बोर्ड की तरफ, बोर्ड के फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ।
मैं बोर्ड को ओपन करता हूँ। देखो ये देखो क्या लुक है, देखने को लुक में ये देखो बहुत अच्छी लुकिंग में देखने को मिल रहा है। और जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये देखो 12 वाले, ये देखो यहाँ दिए हुए हैं 12+2, ये इसके पावर कंजप्शन बहुत पावरफुल ये यहाँ दिए हुए हैं। और इसको सबसे बेस्ट जो मेरे को मदरबोर्ड में लग रहा है वो ये देखो, ये हीट सिंक ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ सामने भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये यानी कि पीसी प्रॉपरली गेमिंग वगैरह आप करोगे, इसमें हेवी गेम खेलोगे आप, तो ये वी रैम बिल्कुल गर्म होगी। तो गर्म होने के लिए ये इसमें कंपनी ने ये देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हीट सिंक का। ये बहुत कूलिंग करेगी और जब जब ये कूलिंग प्रॉपरली करेगा तब तक पीसी आपको बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है, ये कंपनी ने मदरबोर्ड ने ये निकाला है गीगाबाइट ने, ये मेरे को अच्छा लग रहा है इसमें। और ये मैं बढ़ता हूँ इसके आगे की तरफ, ये देखो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ ऊपर ऊपर दिया हुआ है सीपीयू पावर का। ये आपने बहुत सारे देखा होगा कि ये 4 पिन का तो आता ही आता है, ये इसमें साथ में दिया हुआ है 6 पिन का। ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये कंपनी को बंद कर देना चाहिए, केवल सिस्टम डायरेक्ट ऐसा कर देना चाहिए कि वो डायरेक्टली पावर लग जाए। ये तो देखो नॉर्मल में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मेरे को लग रहा है ये मेरे को स्टील में लग रहा है और बहुत मजबूताई से ये कंपनी ने यहाँ लगाया है इसको। और मैं बढ़ता हूँ इसके आगे की तरफ, ये देखो ये इसमें यहाँ बायोस दिए हुए हैं, ये देखो। और ये देखो बायोस यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, ये देखो इसमें। और ये देखो ये बायोस फर्स्ट है और ये बायोस सेकंड है। जब भी आप बायोस को पीसी को इनबिल्ट, जैसे कोई नया मार्केट में लॉन्च हो जाए प्रोसेसर, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो और आपको बैकअप सेकंड में मिल जाएगा। ये इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन देखने को मिला है। अगर एक बायोस आपका खराब भी हो जाता है तो भी पीसी प्रॉपरली काम करेगा। ये जो पैसे लग रहे हैं वो मेरे को फ्रेंड्स यहाँ मजे आ रहे हैं, क्योंकि मदरबोर्ड में बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहली बार मैंने 1 गीगाबाइट का ऐसा मदरबोर्ड देखा है जिसमें एक बायोस भी पीसी चलेगा, क्योंकि 2 बायोस इसमें इनबिल्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये मेरे को पैसे का मजा आ रहा है फ्रेंड्स। बढ़ता हूँ इसकी मैं रैम की तरफ, क्या क्वालिटी देखने को मिली है ये देखो। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ये देखो। और ये देखो फ्रेंड्स मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ ये स्टील की रैम है। यहाँ वैसे इतना हैवी देने की जरूरत नहीं थी कंपनी को, लेकिन फिर भी कंपनी ने दिया है, क्योंकि रैम बाय द वे डिफॉल्ट नहीं होती है। ये मेरे को ये देखो यहाँ स्टील के दिए हैं, ये भी एक तरह से एक ऑफर ही है जो मेरे को इतनी बेस्ट क्वालिटी देखने को मिल रही है इनमें। आप इसमें 4 रैम लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको जो ऑप्शन बता दूं वो इसमें ड्यूल ड्यूल चैनल रैम ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि मदरबोर्ड ऐसा ही है, ड्यूल चैनल आपको लगानी पड़ेगी। इसमें 8 8 GB की आप रैम लगा सकते हो प्रॉपर, सिंगल 16 GB की रैम मत लगाना, ये मेरा ओपिनियन यही रहेगा। सिंगल 16 GB वो वैसे काम नहीं कर पाएगी जितना बेस्ट 8 8 GB इसमें प्रॉपर काम करेगी। ये देखो ये पावर का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, और ये खड़ा क्यों दिया है कंपनी ने मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब ये देखो यहाँ देखो फ्रेंड्स आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो 60 AA यहाँ पोर्ट दिए हुए हैं कंपनी को भी। अब ये देखो मैं जैसे ही 60 लगाऊंगा तो डायरेक्ट कैबिनेट के नीचे से ही ये केबिलें निकल जाएंगी, और ये केबिलें दिखती हैं तो साला वो अच्छा नहीं लगता है। ये देखो कंपनी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, जब ये यहाँ ये इसको चेंज कर रही है तो यहाँ ये ऑप्शन चेंज क्यों नहीं कर रही है। इतने हैवी पैसे ले रही है कंपनी, फिर भी ये कमी क्यों छोड़ रही है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखो ये आप फैन वगैरह यहाँ प्रॉपर तरीके से आप लगा सकते हो, इसमें बहुत सारे दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 आपको ये देखने को मिलेंगे। इसमें बढ़ता हूँ इसके मैं और आगे की तरफ, ये देखो यहाँ ये दी हुई है स्टील का लग रहा है ये मेरे को। और जो इसमें सबसे बेस्ट लग रहा है हीट सिंक का ये ऑप्शन, ये देखो इसमें फैन भी दिया हुआ है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये प्रॉपर कूलिंग कर पाएगी मदरबोर्ड को। लेकिन ये 8 GB का यहाँ लोगो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। सस्ते मदरबोर्डों में जैसे फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि यार सस्ते मदरबोर्डों में यहाँ 8 GB देखने को मिल रहा है, हेवी मदरबोर्ड में नहीं है। तो मैं कंपनी का एक ये मेरे की सोच बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कोई भी जो इसको परचेज करेगा वो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ लगाएगा, कम से कम वो लगाएगा 2060 2070 2080, वो ग्राफिक्स कार्ड इतना बड़ा आता है बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये देखो यहाँ तक आ जाएगा वो। और वो मेरे को कंपनी की ये सोच बहुत अच्छी लगी, अगर ये 8 GB नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के नीचे ही वो रह जाता है 8 GB, और जो ग्राफिक्स कार्ड हम लगाएंगे उसके नीचे ही रह जाती वो। तो इस वजह से मेरे को ये ज़्यादा कोई इशू देखने को नहीं मिला है। और ये देखो यहाँ ये इसके पोर्ट्स दिए हुए हैं 60 AA, 6 पोर्ट्स से यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है, ये मदरबोर्ड के नीचे से ही निकल जाएंगी केबलें। और मैं बढ़ता हूँ इसके आगे के ऑप्शन की तरफ, ये देखो ये यहाँ लगाना है, वो जो सॉकेट मैं आपको बता रहा था वो लाइटिंग का, वो आपको डायरेक्टली यहाँ लगाना है। और ये देखो USB 3.0 के इसमें 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं प्रॉपर, ये देखो फैन के यहाँ फिर ऑप्शन आ गया है, ये USB 1 USB 2 का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये TPM का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। 8 GB स्ट्रिक आप यहाँ लगाओगे तो वो LED के लिए ये प्रॉपरली यूज होगा। और ये जो ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स वो बहुत लाजवाब है, ये ऑडियो के लिए है और ये ऑडियो को कूलिंग करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ये देखो ये इसमें जो ऑडियो आपको देखने को मिलेगा वो गेमिंग ऑडियो देखने को मिलेगा,
बहुत अच्छा ऑडियो देखने को मिलेगा आपको यहाँ, प्रॉपरली बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बढ़ता हूँ मैं इसके और आगे की फीचर्स की तरफ। ये देखो इसमें थर्मल गाड़ियाँ दिए हुए हैं और M.2 की यहाँ 3-8 इंच आप प्रॉपर लगा सकते हो। बहुत अच्छा मदरबोर्ड ये मेरे को यहाँ भी लग रहा है, यहाँ तो लगेगी 80 और ये 110 110 के यहाँ आप इसमें लगा सकते हो M.2 को। और ये थर्मल गाड़ी इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये कूलिंग, वैसे गर्म तो होती नहीं है 8 इंच, फिर भी अगर हल्की सी भी गर्म होगी तो ये थर्मल गार्ड उसकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आप ग्राफिक्स कार्ड के लिए 2 दिए हुए हैं और वो भी स्टील के दिए हुए हैं। फ्रेंड्स पैसे का मज़ा यहाँ आ रहा है। और ये देखो ये यहाँ स्टील की ही दी हुई है, 2 ग्राफिक्स कार्ड इसमें आप प्रॉपरली लगा सकते हो। आप इसमें, मैं ग्राफिक्स कार्ड को भी हल्का सा मैं खुल के बताना चाहता हूँ आपको। ये देखो ये इसमें SLI सपोर्ट है, ये SLI सपोर्ट जब भी करेगा NVIDIA के, अगर आप प्रॉपरली 2 ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाते हो तो वो प्रॉपर दोनों सपोर्ट करेंगे। चाहे आप 2.2070 लगा लो और इसमें आप 2060 लगा लो, या आपकी इच्छा हो 2080 तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो, नीचे आप 2070 लगा सकते हो। और AMD का क्रॉस सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। अगर AMD के दोनों ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाते हो तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। एक में आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड लगा लेना और दूसरा आप इसमें NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड लगा लेना। लेकिन SLI के अंदर ये NVIDIA के दोनों ग्राफिक्स कार्डों को सपोर्ट करेगा। आपकी इच्छा हो दोनों ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा सकते हो। बहुत ताकतवर ये मदरबोर्ड मेरे को देखने को मिल रहा है। जो इसके और इसके जो मैंने हल्के से जो हाईलाइट है वो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। ये देखो BRG 12 वाट, जैसे मार्केट में अगर आप सपोज करो, जैसे मैंने आपकी इसमें एक कमी बताई थी RGB स्ट्रिप, ये इसमें देखने को नहीं मिली है। आप सपोज करो मार्केट से परचेज करके लेके आ गए और आप इसमें लगा दिए, लेकिन अगर ये देखो अगर आप ये 12 वाट की अगर RGB स्ट्रिप नहीं होगी और आप 5 वाट की इसमें लगा दोगे तो ये इसको जला देगा। इसलिए आपको यहाँ BRG 12 वाट की लाइट लगानी है और यहाँ आप लगा सकते हो 5 वाट की। और मैं बोर्ड में और देखता हूँ इसके, करता हूँ मैं इसके पोर्ट्स की बात। ये देखो ये इसमें देखो आयो शील्ड, ये इसमें इसमें लगी हुई आई है कंपनी की तरफ से। ये मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन लगा है क्योंकि कई कबार हाथों के अंदर हाथ ये कटकटा जाते हैं क्योंकि उसमें प्रेस करना रहता है आपको प्रॉपरली। ये इसमें आयो शील्ड आपको इसमें कम्प्लीटली इसी के अंदर कंपनी ने भेजा है। ये मेरे को अच्छा फीचर्स इसमें देखने को मिला है, ये बहुत अच्छा है। और मैं बढ़ता हूँ इसके पोर्ट्स की तरफ। ये देखो यहाँ 4 USB के 2.0 के यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं और 2 दिए हुए हैं वाईफाई के पोर्ट्स। ये देखो बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ। ये देखो HDMI का यहाँ पोर्ट देखने को मिल रहा है आपको और ये देखो USB BIOS अपडेटिंग के लिए ये यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। और ये 3.0 के ये 2 ये दिए हुए हैं USB, ये देखो 3.0 के और 3.1, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको ये 3.1 USB के ऑप्शन है। यहाँ Type-C आपको देखने को मिलेगी और वो भी बहुत फास्ट चार्जिंग, अगर आप मोबाइल चार्ज करते हो या और कुछ भी चार्ज करते हो तो ये Type-C बहुत फास्ट आपको देखने को मिलेगी। और इसमें ये एथरलैन का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, फास्ट स्पीड आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें ब्रॉडबैंड जैसे कोई भी ब्रांडेड अगर आप कंपनी का इसमें लगाते हो तो आप इसमें गेमिंग बहुत अच्छे से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, स्पीड बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और ये 5-in-1 का यहाँ Dolby साउंड आपको मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो ये इसमें जो ऑडियो का है वो बहुत बेस्ट ऑडियो यहाँ दिया हुआ है। और आप गेमिंग के लिए जो भी ऑडियो इसमें आप यूज करोगे, जो भी गेम में ऑडियो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा Dolby साउंड आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ आपको AM4 का है सीरीज का यहाँ प्रोसेसर आपको लगाना है इसमें। ये देखो यहाँ ये देखो ये 4 सॉकेट दिए हुए हैं। ये देखो ये आपको AM4 के ये की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और अगर आप AM3 के और AM2 के आप लगाते हो तो वो थोड़ा सा इनमें गैप रहता है और वो आपको परचेज भी नहीं करना है क्योंकि आपको ये मदरबोर्ड AM4 ही सपोर्टेड है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको कम्प्लीटली इस मदरबोर्ड के बारे में आपको ये देखो ये इसके कम्प्लीटली फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो जो इसके फीचर्स थे, जो जो इसमें क्वालिटी आपको देखने को मिली है, जो मेरे को इसमें कमी देखने को मिली है वो केवल RGB स्ट्रिप एक केबल मेरे को देखने को नहीं मिली है और बाकी मेरे को सारा इसमें बेस्ट ऑप्शन देखने को मिला है। इसमें AMD Ryzen A4 सीरीज के ही प्रोसेसर सपोर्ट करेगा और आप इसमें लेटेस्ट अगर कभी भी जैसे लेटेस्ट अगर आप इसमें प्रोसेसर लगाना चाहो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि BIOS ऑप्शन के इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2-2 BIOS का इसमें मदरबोर्ड में ऑप्शन दिए हुए हैं। मेरे को ये बोर्ड बहुत बेस्ट लगा है और मैंने मदरबोर्ड की 7 सीरीज आपको बताई है। 570X में 7 मॉडल आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जो सबसे अच्छा मेरे को ये लगा वो लेटेस्ट मदरबोर्ड, ये देखो ये मदरबोर्ड X570 ओरस अल्ट्रा वाला, ये मेरे को मदरबोर्ड सबसे बेस्ट लगा है और ये मैं अपने लिए PC बुल्ट करने जा रहा हूँ। और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर को कैसे आपको इसमें लगाना है, कैसे क्या इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कैसे क्या इसको ये प्रॉपरली मैं इसको यूज कर पाऊंगा ये एडिटिंग वगैरह में, गेमिंग में बहुत बेस्ट आपको लाइव एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।